हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने अमेजोन से अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न पजल मंगाया है। सो इसे देखेंगे हम ये कैसा है। ये वुडन का है और इससे सारे अल्फाबेट्स हम बना सकते हैं। फ्रेंड्स, हमने अनबॉक्सिंग कर ली है, ये सारी चीजें हमें मिली है। सो हम देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। मैनुअल में आप देख सकते हैं कि हम क्या क्या बना सकते हैं। सारे नंबर्स हम बना सकते हैं और अल्फाबेट्स को बना सकते हैं, वर्ड्स भी दिख रहे हैं और शेप्स भी हम बना सकते हैं और हमारे बच्चों को अच्छे से बता सकते हैं। सारे इंस्ट्रक्शन हमें मैनुअल में दिए किस तरीके से हमें असेंबल करना है चीजों को। सो हम बॉक्स में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से बनाया है। सो कितने बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, तो ये उसके लिए अच्छी चीज है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या। सो ये बेस दिया है, ये पेग्स दिए हमें, वॉशेस प्रोवाइड किए हैं। हम स्टार्ट करेंगे, सारे पेग्स को डालेंगे। ये वॉशर्स दिए गए हमें, वॉशर्स प्रोवाइड किए, सो सारे पेग्स में हम वॉशर्स को लगाएंगे। हमने सारे पेग्स को लगा दिया, हमने सबको लॉक कर दिया वॉशर से। सो सारी चीज हमने अनबॉक्सिंग कर ली, फ्रेम्स में से निकाल दी। ये स्ट्रिक्स है, ये कर्व्स वाले हैं और जो बेस है, बेस को भी हमने असेंबल कर दिया पेग्स और वॉशर्स लगाकर। स्टैंड दिए गए हमें, हम ये बेस को कोई भी नंबर्स और अल्फाबेट्स बनाकर हम उसे स्टैंड भी कर सकते हैं। अल्फाबेट सिखा सकते हैं, सो हमने 8 बना लिया। नेक्स्ट हम कोई अल्फाबेट्स ट्राई करते हैं। सो अल्फाबेट ए बन गया, लेटर ए हमारा रेडी है। बीच में ये वॉशर को टक कर दिया हमने। सो अब इस तरीके से हम अभी हमारा जो है गिरेगा भी नहीं गिरेगी। नेक्स्ट हम कुछ बी ट्राई करते हैं। बी रेडी है और यहाँ पर एक वॉशर को टक करेंगे। परफेक्ट बी रेडी है, मेरा ट्रायंगल बन गया और तीनों में हम ये वॉशर्स को टक कर देंगे। सो वॉशर्स को टक करेंगे तो हम इस बेस पे वर्टिकली स्टैंड भी कर सकते हैं। हमारा ट्रायंगल रेडी है, ये दो स्टैंड दिए हमें। सो स्टैंड को इस तरीके से हम इसमें आप देख सकते हैं, आप इस तरीके से स्टैंड करके रख सकते हैं।